सोमवार को मंडी स्थित बल्लभ महाविद्यालय में मंडी जिला निर्वाचन आयोग की तरफ से जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के विद्यार्थियों को मतदान के महत्व और नव युवा मतदान कैसे बन सकते हैं इसके बारे जागरूक किया गया। भारतवर्ष विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और युवा मतदाता अपने मत का सही उपयोग कर देश के विकास में अपना योगदान कर सकता है। सोमवार को मंडी स्थित वल्लभ महाविद्यालय में मंडी जिला निर्वाचन आयोग की तरफ से जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के विद्यार्थियों को मतदान के महत्व और नव युवा मतदाता कैसे बन सकते हैं इसके बारे में विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। जागरूकता शिविर में नायब तहसीलदार उषा चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उषा चौहान ने विद्यार्थियों को मतदान के महत्व और नव युवा मतदाता कैसे बन सकते हैं इस पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग व राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर नव युवा मतदाता बनने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। जो तो 1 जनवरी 2017 को 18 वर्ष का हो गया है, तो उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है, एक पर्टिकुलर फॉर्म आता है, दैट इज़ फॉर्म नंबर 6। वो फॉर्म अगर आप भरेंगे तभी आपका नाम वोटर लिस्ट में एनरोल होगा। जब तक आपका नाम वोटर लिस्ट में एनरोल नहीं होगा, आप वोट डालने का अधिकार प्राप्त नहीं करेंगे। और युवा वर्ग में बड़ी उदासीनता है, हमारे पास क्या बात है बच्चे जी, हमें पासपोर्ट के लिए चाहिए, ये चाहिए, उस समय नो। अब अगर आप सोचें कि आज ही फॉर्म भर दिया और आज ही आपका नाम एनरोल हो गया, नहीं, इसके लिए भी बहुत लंबा प्रोसेस होगा। तो आज कल जो हमारा 1 जुलाई से 28 जुलाई तक जो है हमारे एक स्पेशल कैंपेन चला हुआ है, जिसमें हम जितने भी युवा वर्ग ऑल यंग वोटर्स जो है, जिन्होंने अपना नाम वोटर लिस्ट में एनरोल नहीं किया है, उनको एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वे अपना नाम एनरोल करें। इफ यू गो टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो वेबसाइट क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा एक पोर्टल NVSP, दैट इज द नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। वो ऑनलाइन कोई अगर अपना नाम वहां पर एनरोल करना चाहता है तो एनरोलमेंट के लिए आप उस पोर्टल पर जाइए और उसको खोलिए, तो जो जो डिटेल्स वो मांगते हैं यू हैव टू फिल द डिटेल्स अलॉन्ग विद योर अपलोडिंग सर्टन डॉक्यूमेंट्स। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।